तो देखिएगा, मैं आपसे बात कर रहा था कि भाई ऑप्सिलेंस का मतलब क्या होता है। तो देखो, एक एक अगर वर्ड में मैं बात करूं तो मैंने एक बेसिक डेफिनेशन ली कि मींस लॉस ऑफ यूजफुलनेस ड्यू टू द टेक्नोलॉजिकल चेंजेस, यानी मार्केट से किसी प्रोडक्ट के आउटडेटेड हो जाने का जो नुकसान होता है उसे हम बोलते हैं ऑप्सिलेंस। अब मैंने आपको ये बोला कि मार्केट से आउटडेटेड हो जाना केवल और केवल टेक्नोलॉजी का ही नहीं होता है। देखिए, एक ये तो बहुत बड़ा रीजन है कि अगर मान लीजिए जिस तरह का प्रोडक्ट आज मार्केट में चल रहा है और इमीडिएटली थोड़े से समय में ही उसके एडवांस्ड फीचर का कोई प्रोडक्ट आ जाए, तो जो पुरानी टेक्नोलॉजी का प्रोडक्ट था वो इमीडिएटली आउटडेटेड होने लग जाएगा। ऐसा नहीं है कि पूरी तरह बंद हो जाए, बट आउटडेटेड, यानी उसकी जो मार्केट डिमांड है वो क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। या और मैं एग्जांपल देता हूं, जैसे आपको पता है मेडिकल में कई ऐसी मेडिसिन होती हैं जिन पर रेस्ट्रिक्शन लगा दिए जाते हैं टाइम टू टाइम पर। अब सोच के देखो, मान लो आपने कोई मेडिसिन बनाई और उस मेडिसिन को बनाने के लिए आप असेट लाए थे, अब अचानक से गवर्नमेंट ने उस मेडिसिन को क्या कर दिया, रेस्ट्रिक्ट कर दिया कि भैया अब ये मेडिसिन यहां नहीं बनेगी, या कोई रेस्ट्रिक्शन लगा दिए, तो बताओ क्या वो असेट अब काम की है क्या, अब आपके सर। नहीं है, तो अब वो मशीन ही बेकार हो गई। क्यों? क्योंकि उस मशीन से मैं जो प्रोडक्ट बना रहा था उस पर कोई रेस्ट्रिक्शन लग गए। तो इन चीजों को क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है ड्यू टू ऑप्सिलेंस, यानी आपकी असेट पर नुकसान हो गया। क्यों? क्योंकि उसकी जो यूजफुलनेस है वो यूजफुलनेस आपकी क्या हो गई, खत्म हो गई। बताओ यहां तक क्लियर ये पॉइंट? चलिए, तो अब आगे बढ़ते हैं अपन पॉइंट नंबर 6 की तरफ। लिखें, डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग विल बी कवर्ड बाय अकाउंटिंग स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड 10, जिसका नाम है PPE। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट देखिएगा, हमारी जो डेप्रिसिएशन की अकाउंटिंग है उसके ऊपर एक स्टैंडर्ड बना दिया गया है। स्टैंडर्ड का मतलब होता है कुछ बातें डिसाइड कर दी गई हैं जिनको फॉलो करके हमें क्या करना पड़ता है, डेप्रिसिएशन को ध्यान रखना पड़ता है, और उस स्टैंडर्ड का नाम रखा गया प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट अकाउंटिंग। तो आपके ऑब्जेक्टिव में ये क्वेश्चन आ सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो द डेप्रिसिएशन, कि इनमें से कौन सा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड डेप्रिसिएशन को फॉलो करवाता है, तो आपका आंसर हो जाएगा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10। और इसके आने से पहले अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 6 हुआ करता था जो डेप्रिसिएशन के साथ डील करता था। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 6 को रिप्लेस किया गया और उसमें अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 में इनकॉर्पोरेट कर दिया गया। आप चाहो तो लिख सकते हो, अर्लियर इट वॉज कवर्ड
A6 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 6 में कवर होता था और उसको रिप्लेस कर दिया गया थ्रू द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10, और उस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 का अब हमारा जो नाम है वो है PPE, यानी प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। इसके तहत हमारी डेप्रिसिएशन को हम कवर करते हैं। लिखें पॉइंट नंबर 7, फैक्टर्स अफेक्टिंग डेप्रिसिएशन। अब देखिएगा, डेप्रिसिएशन की जब कैलकुलेशन हम सीखेंगे तो उससे पहले हमें कुछ ऐसे फैक्टर्स की बातें करनी पड़ेंगी जिनके ऊपर डेप्रिसिएशन टिका हुआ होता है, यानी जिनकी वजह से डेप्रिसिएशन अफेक्ट करता है। अगर उनमें कोई चेंज आएगा तो डेप्रिसिएशन में भी चेंज आएगा। उसमें हमारे पास सबसे पहला फैक्टर है कॉस्ट ऑफ असेट। उसमें हमारा सबसे पहला फैक्टर क्या है? कॉस्ट ऑफ असेट। रिस्क में स्टेट लाइन मेथड का भी तो आता है सिर्फ। वो मेथड हैं, वो मेथड्स आएंगे कि जिन मेथड्स का यूज करके हम डेप्रिसिएशन निकालते हैं। अभी तो मैं बता रहा हूं उन मेथड को भी यूज करोगे तो इन्हीं बातों के आधार पर यूज करोगे। कॉस्ट ऑफ असेट आए बिना डेप्रिसिएशन थोड़ी निकाल सकते हो आप। डेप्रिसिएशन निकालने के लिए सबसे पहले असेट की कॉस्ट भी तो ढूंढनी पड़ेगी। फिर चाहे आप डेप्रिसिएशन SLM से निकालो, चाहे आप WDV से निकालो, इट डजंट मैटर। हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं, वो आगे पढ़ेंगे अपन कि मेथड्स फॉर कंप्यूटेशन ऑफ डेप्रिसिएशन। अभी मैं पढ़ा रहा हूं जब आप डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट करना चाहते हैं तो इन कुछ बातों को पहले आपको देखना पड़ेगा, तभी आप अपना डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर पाएंगे। उसमें पहला पॉइंट है आपकी कॉस्ट ऑफ असेट। लिखें कॉस्ट ऑफ असेट मींस परचेज प्राइस एंड ऑल सच एक्सपेंसेस which are incurred, all such expenses which are incurred before put to use। समझना, cost of asset का मतलब होता है जितने में आपने asset खरीदी वो, और वो सभी खर्चे जो आपको करने पड़े ताकि आपकी असेट रेडी फॉर यूज हो जाए। क्योंकि जब तक असेट रेडी फॉर यूज नहीं होगी तब तक आप उसके लिए डेप्रिसिएशन की कैलकुलेशन नहीं कर सकते। तो यानी अगर मैं एक सिंगल शब्दों में बोलूं तो मैं ये बोलूंगा कि कॉस्ट ऑफ असेट का मतलब हो गया परचेज प्राइस प्लस वो सारे खर्चे जो उस असेट को रेडी फॉर यूज बनाने के लिए किए जाएंगे। जैसे देखिए, सबसे पहले मैंने ले ली उसकी परचेस प्राइस। जो परचेस प्राइस है मैंने सबसे पहले वो ले ली, प्लस नॉन रिफंडेबल टैक्सेस। अगर मैंने खरीदते समय कोई टैक्स दिया है जिसका मुझे कोई रिफंड नहीं मिलना तो वो टैक्स भी मेरी कॉस्ट को बढ़ा देगा। ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस,
अब उस असेट को मैं अपने यहां तक लाऊंगा तो मेरे कुछ ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस लग सकते हैं, वो आ जाएंगे। इंस्टॉलेशन या असेंबली चार्जेस, भाई अगर मान लीजिए उस मशीन को इंस्टॉल करवाना पड़ेगा तो कुछ खर्चे करने पड़ेंगे, या कई असेट ऐसी होती हैं जो पार्ट में आती हैं, फिर उन्हें हम एक जगह मिलाकर क्या करते हैं, असेंबल करते हैं, तो असेंबली के जो खर्चे होंगे वो भी आपके इसमें जुड़ेंगे। साइट प्रिपरेशन सर, हाँ जी सर, इंस्टॉलेशन चार्जेस होते कौन से सर? एसी खरीदोगे तो एसी का इंस्टॉलेशन होता है कि नहीं होता? यस सर होता है। तो उसके लिए पैसे देते हो कि नहीं देते हो? देते हैं सर। वो पैसे इसी की कॉस्ट में जुड़ते हैं कि भैया मैंने 40,000 का एसी खरीदा, 1,500 रुपए इंस्टॉलेशन वाले को दिए, क्योंकि कई असेट ऐसी होती है जो इंस्टॉल किए बिना बेकार है। ऐसा तो है नहीं ना कि आप एसी लेकर आओगे और एसी आपने अपने कमरे में लाके रख दिया और वो चलने लग जाएगा। उसको रेडी टू यूज बनाने के लिए फिटिंग करवानी पड़ती है, तो उस फिटिंग को करवाने के कुछ खर्चे लगते हैं, वो खर्चे आपके उसकी कॉस्ट में जुड़ जाते हैं कि भैया मैंने एसी खरीदा 40,000 में और 1,500 रुपए इंस्टॉल करने के दिए, तो मेरा टोटल असेट कितने की पड़ी? 41,500। तो मैंने इंस्टॉलेशन के खर्चों को ऐड कर दिया। सर एसी के अलावा और भी कोई हो सकता है सर इसका? बहुत होते हैं, बहुत कई इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स हैं जिनको असेंबल करवाया जाता है। सर कंप्यूटर भी हो सकता है? कंप्यूटर भी हो सकता है। अरे आप छोटी छोटी बात कर रहे हो, बड़े बड़े जनरेटर आते हैं। आप सोचो ना, अपन घरों की बात थोड़ी कर रहे हैं, तो मैंने एक एग्जांपल दिया। अपन बात कर रहे हैं फैक्ट्रियों में, फैक्ट्रियों में कितनी बड़ी बड़ी मशीनें लगती हैं, तो उन मशीनों को इंस्टॉल भी तो करना पड़ता है। यस सर। तो है नहीं ना कि वो मशीन आएगी और इतनी बड़ी बड़ी मशीनें होती हैं कि वो पार्ट में आती हैं, पूरी की पूरी मशीन नहीं आती एक साथ। फिर पार्ट में आएगी तो उनको असेंबल किया जाता है, तो असेंबली चार्जेस लगते हैं, तो वो सारे यहां पर आ जाएंगे। साइट प्रिपरेशन कॉस्ट, कई बार क्या होता है, मशीनों को इंस्टॉल करने के लिए फाउंडेशन, एक बेस बनाना पड़ता है, कॉन्क्रीट बेस। जैसे मान लो बहुत हैवी मशीन है, उस हैवी मशीन को हम जमीन पर नहीं लगाएंगे, हम उसके लिए पहले एक कंक्रीट का एक कुछ बेस तैयार करेंगे। तो बेस तैयार करोगे तो उसका भी खर्चा होगा। जिस बेस के ऊपर, जैसे आपने अगर हॉस्पिटल्स में देखा हो ना, तो बड़े बड़े जनरेटर्स थोड़ा ऊंचाई लेकर एक वैसे चबूतरा सा बना के और उस पर रख देते हैं वो हॉस्पिटल्स में। यस सर। तो भैया वो भी तो बनवाओगे जिसके ऊपर वो जनरेटर फिक्स करोगे, तो उसे कहते हैं साइट प्रिपरेशन कॉस्ट। तो वो भी हमने असेट को रेडी फॉर यूज करने के लिए की है, प्लस प्रोफेशनल फीस। ऐसा नहीं है कि कई बार इतने बड़े बड़े प्लांट होते हैं, इतनी बड़ी बड़ी मशीनें होती हैं कि उनके लिए हमें पर्टिकुलरली प्रोफेशनल्स को हायर करना पड़ता है, आर्किटेक्ट्स को हायर करना पड़ता है, इंजीनियर्स को हायर करना पड़ता है, जिनकी देखरेख में वो मशीन इंस्टॉल की जा रही है। तो उस आर्किटेक्ट को, उस इंजीनियर को जो फीस दूंगा, वो भी मेरी असेट की वैल्यू में एड हो जाएगी। प्लस मैंने जो असेट खरीदी उसके लिए लोन लिया, तो लोन का ब्याज तो अगले दिन से ही चालू हो जाएगा। यस सर। लेकिन अभी तक वो असेट रेडी टू यूज नहीं हुई है, तो रेडी टू यूज होने तक उस लोन पर जो इंटरेस्ट बनेगा वो भी असेट की कॉस्ट में जुड़ेगा, और उसके बाद का इंटरेस्ट मेरे पीएनएल में चला जाता है। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल, ध्यान से सुनना मेरी बात को, मैंने 10,00,000 रुपए का लोन लिया किसी असेट को खरीदने के लिए, और वो असेट 4 महीने बाद काम में आने लगी, तो उस लोन पर क्या मुझे 4 महीने भी ब्याज देना पड़ेगा कि नहीं देना पड़ेगा? देना पड़ेगा सर। देना पड़ेगा। 4 महीने का ब्याज है वो असेट की कॉस्ट में जुड़ेगा, ये पीएनएल में नहीं जा सकता।
और 4 महीने बाद जब वो असेट काम में आने लग जाएगी, अब उसका जो लोन लिया गया था वो ब्याज अब पीएनडल में जाएगा। तो अगर कोई भी लोन लिया है और जब तक वो असेट रेडी टू यूज नहीं हो गई है, वहां तक के लोन का जो ब्याज जाएगा वो भी असेट की कॉस्ट में ही जुड़ेगा। माइनस, एक्सक्यूज मी सर, हाँ जी, सर ये बोरोइंग कॉस्ट में ब्रैकेट में जो है ये ओपी क्या है? ओपी नहीं है, अप टू, ओके ओके सर, ओके अप हाँ जी, टू डिस्काउंट, रेडी टू यूज। हाँ डिस्काउंट मिल गया हमें। तो क्या अगर सामने वाले ने मुझे डिस्काउंट दिया तो मेरी कॉस्ट कम हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? हो तो जाएगी मैंने डिस्काउंट को माइनस कर दिया। कई बार क्या होता है, कुछ असेट ऐसी होती हैं जिनके लिए गवर्नमेंट मुझे कुछ पैसा दे देती है, गवर्नमेंट की कोई सब्सिडी, गवर्नमेंट से कोई ग्रांट मिल गई, तो क्या मेरी कॉस्ट कम हो गई कि नहीं हो गई? गई सर। मैं 10 लाख रुपए की असेट खरीद के लाया, लेकिन गवर्नमेंट ने बोला तुम ये जो असेट लाए हो इसमें से 20% पैसा गवर्नमेंट तुम्हें वापस कर देगी, तो इसका मतलब अब मेरा खर्चा 10 लाख थोड़ी हुआ, 10 लाख में से 20% यानी 2 लाख रुपए माइनस कर दूंगा। ये लीजिए, ये मेरे पास मेरी कॉस्ट ऑफ असेट आ गई। लीजिए फैक्टर नंबर वन, अगर मैं फर्स्ट फैक्टर की बात कर रहा हूं तो मेरा फर्स्ट फैक्टर है कॉस्ट ऑफ असेट को लेकर। तो कॉस्ट ऑफ असेट का मतलब ये होगा परचेज प्राइस लूंगा और वो सारे खर्चे लूंगा जो मुझे करने पड़ेंगे उस असेट को रेडी फॉर यूज बनाने के लिए। सेकंड पॉइंट, अगली बात जो ध्यान रखूंगा, यूजफुल लाइफ ऑफ असेट। अगली बात जो मैं डिस्कस करूंगा वो होगी मेरे पास यूजफुल लाइफ। अब मुझे क्या ढूंढनी है, क्योंकि हर एक असेट की एक यूजफुल लाइफ होती है। लिखे मींस, एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ इयर्स, एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ इयर्स फॉर विच असेट विल रिमेन इन यूज। देखिए क्या होता है, हम जब एक असेट को खरीदते हैं तो उसकी एक एक्सपेक्टेड लाइफ होती है। एक्सपेक्टेड लाइफ का मतलब है वो नंबर ऑफ इयर्स जो हमें लगता है कि हम इतने समय तक इस असेट को क्या करेंगे, यूज करेंगे, तो उसे हम बोलते हैं यूजफुल लाइफ ऑफ असेट। अंडरलाइन कर लेना एक्सपेक्टेड, ये एस्टिमेट की जाती है कि हमें लगता है कि हम 4 साल तक इसको यूज कर सकते हैं या 5 साल तक हम इसको यूज कर सकते हैं। सी पॉइंट, क्या अनुमान लगा देंगे सर अपन इसका, अंदाजे अपन मतलब इसका एक अंदाजा ही लगा सकते हैं सर। ही लगा सकते हैं, आप एग्जैक्टली तो बता ही नहीं सकते ना कितने समय तक काम आएगी। यस सर, स्क्रैप या रेजिड्यूअल या सैलवेज वैल्यू तीसरा फैक्टर या तीसरी टर्म है स्क्रैप या रेजिड्यूअल वैल्यू या सैलवेज वैल्यू ऑफ असेट। मीन्स वैल्यू
एट विच a set could be sold after its useful life. देखिएगा जब एक asset की useful life end हो गई उसके बाद उसे जितने में बेचा जा सकता है ये भी केवल एक एस्टिमेशन होता है. क्यों? क्योंकि मैं आज बेच नहीं रहा हूं, मैं तो आज केवल एस्टिमेशन कर रहा हूं कि जब इस असेट की यूजफुल लाइफ खत्म हो जाएगी, जब इस असेट की यूजफुल लाइफ खत्म हो जाएगी तो इस असेट को कितने में बेचा जा सकता है, इसे हम बोलते हैं स्क्रैप या रेजिड्यूअल वैल्यू ऑफ असेट. बताइए क्लियर? बिल्कुल यस सर. तीन बातों की जरूरत है हमें, यानी अगर आपको डेप्रिसिएशन अगर आपको डेप्रिसिएशन कंप्यूट करना है तो बहुत सिंपल सी बात है, मुझे पहले तीन बातों की तरफ सोचना पड़ेगा. मुझे पहली बात जो सोचनी पड़ेगी वो क्या सोचनी पड़ेगी? असेट की कॉस्ट. फिर मुझे दूसरी बात सोचनी पड़ेगी वो होगी उस असेट की यूजफुल लाइफ, और फिर मुझे तीसरी बात सोचनी पड़ेगी और वो होगी उसकी स्क्रैप या रेजिड्यूअल वैल्यू. अब जब मैं ये सारी बातें सीख लूंगा, सोच लूंगा, तो अब मैं डेप्रिसिएशन की कैलकुलेशन चालू करूंगा. यानी अब हमें पढ़ना है कि डेप्रिसिएशन के मेथड्स क्या क्या होते हैं, कि व्हाट आर दी मेथड्स फॉर कैलकुलेटिंग डेप्रिसिएशन. तो लिखिएगा पॉइंट नंबर नेक्स्ट आ गया अब हमारा, यानी पॉइंट नंबर 8. अब यहां से हमारा ये चैप्टर एक प्रैक्टिकल पर्पस से चालू होता है. पॉइंट नंबर 8, मेथड्स ऑफ प्रोवाइडिंग डेप्रिसिएशन. यही हमारा सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है इस चैप्टर का. अब हम सीखेंगे कि डेप्रिसिएशन निकालने के कौन कौन से मेथड्स बताए गए हैं. मेथड नंबर 1, स्ट्रेट लाइन मेथड. स्ट्रेट लाइन मेथड ऑब्लिक ओरिजिनल कॉस्ट मेथड ऑब्लिक फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड. स्ट्रेट लाइन मेथड, ओरिजिनल कॉस्ट मेथड या फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड ऑब्लिक इक्वल इंस्टॉलमेंट मेथड.
स्ट्रेट लाइन मेथड, ओरिजिनल कॉस्ट मेथड, फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड या हमारे पास इक्वल इंस्टॉलमेंट मेथड, जिसको आप प्रेम से बचपन से SLM बोलते हो, उसके ये सारे नाम हैं। यस सर। लिखें इसमें, अंडर दिस मेथड amount of depreciation remains the same from year to year. देखिएगा, ये बोल रहा है, ये मेथड ये बताता है कि आपका जो डेप्रिसिएशन का अमाउंट है वो सेम रहेगा ईयर टू ईयर, पहले साल भी उतना ही अमाउंट, दूसरे साल भी उतना ही अमाउंट, तीसरे साल भी उतना ही अमाउंट। तो ये मेथड एक इक्वल अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन को बताता है कि आपका जो डेप्रिसिएशन रहेगा वो इक्वल अमाउंट का चार्ज होगा, हर साल एक अमाउंट रहेगा कि इसका। हाँ जी बिल्कुल, ड्यूरिंग द यूजफुल लाइफ इसका अमाउंट हर साल एक ही रहेगा। हाउ टू कैलकुलेट डेप्रिसिएशन, अब हम डेप्रिसिएशन निकालेंगे कैसे, लिखें फॉर्मूला, डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ असेट माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय यूजफुल लाइफ ऑफ असेट। डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ असेट माइनस स्क्रैप डिवाइडेड बाय यूजफुल लाइफ ऑफ असेट। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास इस असेट का डेप्रिसिएशन का अमाउंट आ जाएगा। एग्जाम्पल, मान लीजिए मुझे कॉस्ट ऑफ असेट दे रखी है 410,000, 410,000 मेरे पास कॉस्ट ऑफ असेट है। स्क्रैप वैल्यू मुझे दे रखी है 10,000, स्क्रैप वैल्यू मुझे दे रखी है 10,000। यूजफुल लाइफ है 5 years, कैलकुलेट अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन एस पर SLM। आपको स्ट्रेट लाइन मेथड को फॉलो करना है और डेप्रिसिएशन का अमाउंट निकालना है।
सॉल्यूशन। 80,000 आ जाएगा सर। सर 80, बिल्कुल सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ असेट, कितनी है हमारी 410,000 माइनस स्क्रैप वैल्यू 10,000 डिवाइड बाय 5। ये लीजिए तो हमारे पास आंसर आ गया 80,000। ये हमारे पास डेप्रिसिएशन का अमाउंट आ गया। बिल्कुल सिंपल कि डेप्रिसिएशन अगर आपको निकालना है तो 410,000 माइनस 10,000 डिवाइडेड बाय 5 लिखें। How to calculate rate of depreciation अगर मान लीजिए आपसे ये पूछ लिया जाए कि स्ट्रेट लाइन मेथड की रेट ऑफ डेप्रिसिएशन निकालकर बताइए, अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ असेट इनटू 100। जितना आपने एनुअल डेप्रिसिएशन का अमाउंट निकाला है तो डेप्रिसिएशन के अमाउंट को आप क्या कर दोगे, डिवाइड बाय कॉस्ट ऑफ असेट मल्टीप्लाई बाय 100। तो आपके पास क्या आ जाएगा, आपके पास डेप्रिसिएशन की रेट आ जाएगी। डेप्रिसिएशन की रेट आ जाएगी सर। बिल्कुल तो मेथड वन जो बोलता है वो एक सिंपल सी बात बोलता है कि भैया आप अगर स्ट्रेट लाइन मेथड फॉलो कर रहे हो तो हर ईयर का आपका जो डेप्रिसिएशन होगा वो इक्वल अमाउंट रहेगा। इस फॉर्मूले से आप डेप्रिसिएशन निकाल लोगे, इसको हाईलाइट कर लो क्योंकि ऑब्जेक्टिव में तो यही क्वेश्चन आएंगे कि डेप्रिसिएशन का अमाउंट निकाल के बता दो आप। बोली क्लियर है बिल्कुल फर्स्ट मेथड। तो स्ट्रेट लाइन मेथड में हमारे पास ये बातें हो गई। यस सर क्लियर है। मेथड नंबर टू, रिटर्न डाउन। वैल्यू WDV मेथड अपलेखित मूल्य पर हो गया ना सर ये। हाँ जी डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड इसी मेथड को क्या बोला जाता है, डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड बोला जाता है। या इसी को हम बोलते हैं रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड या डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड या रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड।
लिखें, अंडर दिस मेथड depreciation will be calculated by using under this method depreciation will be calculated by using a fixed percentage on reducing balance of asset. Yeah, WDV of asset. यानी ये मेथड ये बोलता है कि आप एक फिक्स्ड परसेंटेज से डेप्रिसिएशन निकालोगे, लेकिन वो जो डेप्रिसिएशन आप रेट आप अप्लाई करोगे वो उस असेट के रिड्यूसिंग बैलेंस पर करोगे या उसकी डब्ल्यूडीवी पर करोगे। यानी व्हाट डज इट मीन, मैं क्या करूंगा, सबसे पहले असेट पर जैसे मान लीजिए ओरिजिनल कॉस्ट उठाई, उस पर मैंने पहले साल का 10% डेप्रिसिएशन निकाल दिया। 10% डेप्रिसिएशन माइनस करने के बाद जो डब्ल्यूडीवी बचेगी, यानी जो रिड्यूस्ड वैल्यू बचेगी, उसके ऊपर वो परसेंटेज लगाऊंगा, फिर वापस जो आंसर आया उसे माइनस करूंगा, फिर वैल्यू रिड्यूस हो जाएगी, फिर अगले साल का डेप्रिसिएशन उस रिड्यूस्ड वैल्यू पर लगाऊंगा। इसीलिए इस मेथड को बोलते हैं डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। जैसे जैसे बैलेंस रिड्यूस होता जाएगा, हम उस रिड्यूस्ड वैल्यू पर क्या करेंगे, रेट अप्लाई कर देंगे। यानी हाउ टू कैलकुलेट डेप्रिसिएशन, WDV of asset WDV of asset multiply by rate of depreciation. क्लियर है? बिल्कुल सिंपली, बस सबसे पहले तो ओरिजिनल कॉस्ट पर लगाऊंगा, फिर उसके बाद जैसे जैसे बैलेंस कम होता जाएगा मैं उस कम बैलेंस के ऊपर उस परसेंटेज को अप्लाई करता जाऊंगा, तो मेरे पास क्या आता जाएगा, डेप्रिसिएशन का अमाउंट आता जाएगा।